गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं? क्या हालचाल बच्चों, क्या हालचाल? कैसे हो? आवाज़ ऑडिबल है या नहीं है? गुड इवनिंग गाइज। वीक की प्लानिंग तो वीक की प्लानिंग भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे कॉम्बैट में 50% ऑफ मिला, क्या मैं सब्सक्रिप्शन लूँ? ठीक है, कौन सी क्लास में हो, क्या टारगेट है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, मैं बता दूंगा यार। वीक की प्लानिंग बिल्कुल बताएंगे। हाय मनोज, गुड इवनिंग। ठीक है, कैसे हो बच्चों? सर मैं आज सारे बैकलॉग खत्म करके पहला लाइव वीडियो देखने आ रहा हूँ। वेरी गुड एजे यार। ठीक है, सो अगर एजे बैकलॉग खत्म कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मुझे मालूम है थोड़ी देर बाद एक बच्चा आएगा जिसका नाम है मीनाक्षी, वो हमसे पूछेंगे कि सर बैकलॉग कैसे कंप्लीट किया जाए। उसे देखो, टाइम डेडिकेट करो तो कवर कर पाओगे गाइज, डोंट वरी, है ना। आई एम बैक। हाय सुभजीत, ठीक है, कैसे? मैं एकदम बढ़िया गाइज, मैं एकदम बढ़िया। ठीक है, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। ठीक है, तो विद्या ने पूछा था कि सर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लो। डिपेंड करता है टारगेट क्या है, कौन सी क्लास में हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ों की मैं गाइडेंस आपको देता रहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों इस सेशन की। मैं पहले शुरुआत करने से पहले बता देता हूँ कि लास्ट क्लास में जो है मैंने आपको जो है क्या चीज़ पढ़ाई थी। ठीक है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर जो है कैसे आप एंगल्स की कैलकुलेशन करते हैं। साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी हेल्प से अपन ने कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, क्लासीफाई एज ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक लेंसेज, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंसेज, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। क्या है? क्लासीफाइज एज ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। ठीक है, लेंस जो है स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल लेंसेज जो है, प्लेन मिरर जो है। बेटा मिरर्स जो हैं वो ओपेक हैं, मिरर्स जो हैं आपके एक तरह से वो हैं, रोक लेते हैं लाइट को। ठीक है, आप जो है इनको लेंसेस को क्या कहेंगे? दैट दे कैन पास दी लाइट। अगर लाइट पास हो रही है तो जो आपने ऑप्शंस यहाँ पर डाले हैं, ठीक है, आपने डाले हैं ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट में कंसिडर कर सकते हैं लाइट जो है पास होने दे रहे हैं, या फिर आप उसे ओपेक में कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि पूरी लाइट पास नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत जो है रुक भी जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो दैट इज़ वाई। बाकी मिरर्स जो हैं वो लाइट को पूरा रोक लेते हैं और वापस उसी मीडियम में वापस से भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन हम बैकलॉग हैं नहीं हैं, हम तो आपके साथ स्टार्टिंग से हैं। वेरी गुड, स्टार्टिंग से रेगुलर रहोगे तो फ़ायदा आपका रहेगा। ठीक है, सर मेरे एक फ्रेंड है उसे बोर्ड्स प्लस NTSE देना है, वो प्लस ले ले, तो देखो NTSE के लिए उसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड NTSE पे। बोर्ड्स के लिए अगर वो बोलेगा अभी कोई कोर्स ज़्यादा चले, अभी बोर्ड पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड NTSE पे। इसके अलावा प्लस पे भी जो अगर आप फाउंडेशन एंड NTSE प्रिपरेशन करते हैं तो अभी ज़्यादा फोकस जो है बच्चों ओलंपियाड्स पे रहता है। जैसे ही ओलंपियाड खत्म होंगे ऑब्वियस सी बात है बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई भी आपको हम वहाँ पर करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए, विद्या बोल रही थी कि टारगेट IGSO एंड NTSE है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा देन इस केस में अनअकैडमी प्लस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज के सेशन को। तो मैं आपको बता देता हूं, JEE NEET फाउंडेशन एंड NTSE ये जो प्लेटफॉर्म है, यहां पर क्लास 8th 9th 10th के बच्चों को अपना NCERT तो होती है, साथ में ओलंपियाड एंड फाउंडेशन लेवल प्रिपेयर करने का मौका मिलता है गाइज। ऐसा करने से आपको फ्यूचर में ऑल इंडिया रैंक लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ध्यान रखना, रेफरल कोड RALIVE का जरूर इस्तेमाल करें। RALIVE परम सत्य है, आपका 10% फी गाइज रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज लेक्चर नंबर 10 ऑफ लेंसेस, मतलब लाइट के अंदर जो है लेंस वाला पार्ट जो है आज हम यहाँ पर गाइज कवर कर रहे हैं। देन बग्स बाउंटी ऑफर, अगर हमें हमारे किसी भी YouTube वीडियो में कुछ आपको इनएप्रोप्रिएट कंटेंट मिले जो YouTube गाइडलाइंस को वायलेट करता है तो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, उससे रिपोर्ट करें। आप एक्साइटिंग प्राइजेस गाइज इससे जीत सकते हैं यहाँ पर। प्लस प्लेटफॉर्म के जो बेनिफिट्स हैं बच्चों, आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू दी ऑल दी कंटेंट मिलता है। ठीक है, जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं, प्रेजेंट जो वीडियोज़ हैं वो भी सारे आप देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आप लोग के लिए लाइव सेशंस यहां पे ले रहे हैं। स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। हर चौथी क्लास बच्चों डाउट सॉल्विंग सेशन होती है, आप अपने कंफर्ट के अनुसार कभी भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं गाइज। यू कैन लर्न इन एनी ऑफ द लैंग्वेज विच एवर यू वांट गाइज। ठीक है, लाइव टेस्ट है, इसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं आपके रिविजन एंड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में। कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस पूरा कवर किया जाता है एंड टॉप एडुकेटर्स की मेंटरशिप एंड गाइडेंस में आप कंप्लीट प्रिपरेशन गाइज यहां पे कर सकते हैं। ध्यान रखना, रेफरल कोड RALIVE आप जरूर इस्तेमाल करें। आपकी जो फी है बेटा बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है एंड अगर आपको 50% डिस्काउंट का ऑफ, जैसे उसने बोला कॉम्बैट के जरिए उसे मिला है, तो डेफिनेटली आप सब्सक्रिप्शन जो है अवेल कर सकते हैं। तो 17K आपको ये पड़ेगा एंड एक साल का जो है ओनली 12K। इसके अंदर आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो जाते हैं गाइज। अदर देन दिस अनअकैडमी प्लस पे आइकनिक सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको जो है एक पर्सनल मेंटोर मिलता है, बहुत अच्छा रहता है उन बच्चों के लिए जिनको हर टाइम टू टाइम गाइडेंस चाहिए होती है, मेंटोरशिप चाहिए होती है। इसके अलावा वीकली रिपोर्ट्स फॉर योर सेल्फ एनालिसिस, जिससे आप समझ सकें कि कहाँ इंप्रूवमेंट है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा स्टडी प्लानर, हर बच्चे के लिए कस्टमाइज्ड स्टडी प्लानर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको गाइस मिल जाता है। इसके अलावा गाइस आइकनिक सब्सक्रिप्शन का जो फी स्ट्रक्चर है ध्यान से देख लीजिए, रेफरल कोड RALIVE आप जरूर लगाइएगा। आपका जो फी है बच्चों 2 साल का 51K एंड 1 साल का जो है ये आपका 32K यहाँ पर फी हो जाता है गाइस। एंड ऑन द पॉपुलर डिमांड वी आर जस्ट लाइक वेटिंग फॉर यू गाइज। अगर आप जो है अनअकैडमी प्लस का JEE का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिए हैं, जो भी बच्चे JEE की प्रिपरेशन फ्यूचर में करने वाले हैं, तो फी हाइक बहुत ही सून आने वाला है। उससे पहले अगर जो है आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें देन यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो सबसे पहली बात इस वीक का प्लान बना देते हैं आपको। मंडे वेंसडे फ्राइडे गिवन टाइम स्लॉट्स पे आपकी क्लास होगी। हम लोग जो है यहाँ पर लेंस कवर करेंगे, लेंस के जो हैं न्यूमेरिकल्स आपके लिए कवर करेंगे। देन इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ जो फ्राइडे का रहेगा वो क्या रहेगा, जस्ट अ सेकेंड। जो आपके बाद इसके बाद लेक्चर आएगा वो है कर्व्ड सरफेसेस से जो रिफ्रैक्शन होता है एंड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्राइडे का लेक्चर आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस एंड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम कवर करेंगे। तो गाइज अगर आप देखेंगे जनरली तो ये जो है लेंस और लेंस की न्यूमेरिकल्स, यहीं पर आप NCERT लेवल पे रुक जाते हैं। ये आपका IIT फाउंडेशन जो IGSO और डेप्थ में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सर्फेसेस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये दोनों एक साथ कंबाइंड हम आप लोग को फ्राइडे को पढ़ाएंगे। दिस वी आर गोइंग टू डू ऑन वेंसडे। दिस टुडे इन द लेक्चर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, हम ट्राई करेंगे कि हम लेंस को पूरा डेप्थ में समझें। आर यू गाइज रेडी? जल्दी बता दो, स्टार्ट करें सेशन को। रेडी हो? नहीं, आज रात को जो है कोई भी स्पेशल क्लास नहीं है गाइस, कोई स्पेशल क्लास नहीं है। अगर आपको स्पेशल क्लास जो है देखनी है तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक ओलंपियाड, यहाँ आपको जो है उसके सारे अपडेट्स t.me लेट्स क्रैक ओलंपियाड्स, यहाँ पर जो है उसके अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं कि सारे ही एडुकेटर्स के अपडेट आपको यहाँ मिलते रहते हैं कि कौन सी क्लास कब स्पेशल क्लास आप लोग की रखी है, ठीक है। आज कोई ऐसी क्लास नहीं है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म बाकी है, वो बाद में पढ़ाया जाता है, लेंस से पहले प्रिज्म नहीं पढ़ाया जाता बच्चा। प्लानिंग हमें पता है, ठीक है। आप जस्ट मजा लीजिए, इंजॉय कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, है ना। कैन आई वॉच दिस वीडियो फॉर NTSE स्टेज 2? यस यू कैन वॉच फॉर स्टेज 2। आप क्लास के बाद समरी दे दिया कि नोट्स मेकिंग में हेल्प होती है, वेरी गुड, समरी बिल्कुल देंगे। सर आपने बोला था कि आप समरी दोगे, वेरी वेरी गुड, ठीक है, बट अभी स्टार्टिंग में नहीं, एंड में समरी रखना। अभी पहले पढ़ो यार, लेंस को जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम है 2 दिन बाद, ऑल द बेस्ट बेटा, ठीक है। सर आई एम ऑन लेक्चर 4, हाउ कैन आई कंप्लीट बैकलॉग? प्लीज वॉच इट मोर, प्लीज डेडिकेटेड मोर टाइम, यू विल एबल टू वॉच। सिर्फ 6 लेक्चर तो और हैं, 10वें लेक्चर पे हम हैं, ठीक है, वेरी गुड। चले स्टार्ट करें। सबसे पहले जो है लाइक्स के अंदर कंजूसी मत किया करो, वीडियो को लाइक करो एंड इसे 9th-10th वाले जो अपने दोस्त हैं जो IIT फाउंडेशन की प्रिपरेशन डेप्थ में कर रहे हैं, आपके स्कूल वाले जो वो बच्चे हैं जो आपसे और हेल्प दे सकते हो आप, तो देखो यार हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे दोस्तों के साथ जो है जरूर शेयर किया करो। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, स्टार्ट करें। प्रिज्म बेटा उसके बाद आएगा, प्लीज़ यार देखो सारी प्लानिंग के पीछे मत पड़ो। मंडे वेंसडे फ्राइडे जो लिख दिया है इसी को फॉलो करो। स्टार्ट करें। सर इससे स्टेज 2 क्लियर हो जाएगा? हाँ बेटा हो जाएगा स्टेज 2 क्लियर, बिल्कुल, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइज। तो हम जो है यहाँ पर लेंस जो है स्टार्ट कर रहे हैं गाइज, ठीक है। आपके सिलेबस में स्फेरिकल लेंसेज हैं गाइज। यहाँ पर गाइज स्फेरिकल लेंस को कैसे बनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात स्फेरिकल लेंस को डिजाइन कैसे किया गया है, ठीक है। तो जो लेंस होता है आपका ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। एक डायरेक्शन से लाइट रे जाती है और दूसरी डायरेक्शन में निकल के आ जाती है, ठीक है। तो अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस, दो सरफेस से जो है इन्हें बाउंड कर रखा होता है। ठीक है, अभी और डिटेल में समझेंगे कि लेंस को एक्चुअली बनाया कैसे जाता है, लेंस को जो है और कैसे समझ सकते हैं अपन, यहाँ पर धीरे 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 बातें करेंगे एंड आप समझते चले जाएंगे। तो ये जो है बच्चों आपके ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। ठीक है, अब देखो इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेंस का इस्तेमाल कहाँ है। लेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज यूज इन ठीक है, बताओ यार अगर तुम्हें मालूम है लेंस का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया करा जाता है। ठीक है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप चश्मे में, घर पे जो आप चश्मा पहनते हो, जैसे मैंने ये चश्मा पहन रखा है, इन सब चश्मों के अंदर ये जो चीज़ दिख रही है दिस इज नॉट अ मिरर। कुछ लोगों को लगता है ये मिरर नहीं है भैया, ये क्या है आपका, ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लेंस है जो लाइट को एक साइड से दूसरी साइड पास करने दे रहा है। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो अगर ये ओपेक होता तो लाइट कैसे आती हमारे पास। तो ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। इसके जो यूजेस हैं, सबसे पहली चीज स्पेक्टेकल्स आपने जो है जनरल लाइफ में देख रखा होगा। देन इसके अलावा कैमरा के अंदर जो है आपने सुना होगा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप लैब में स्कूल में देखने को मिलता है, टेलीस्कोप में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा सर प्रोजेक्टर के अंदर जो है लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेंस अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप घर पे बैठ के जो YouTube पे ये वीडियो देख रहे हो, मेरे स्क्रीन के जस्ट सामने एक कैमरा है, कैमरे में लेंस है, उसी लेंस से ये सारी चीजें कैप्चर हो रही है और आप तक पहुंच रही है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो यार ये स्फेरिकल लेंसेज को डिजाइन कैसे किया है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि लेंस को डिजाइन कैसे किया है। तो देखिएगा इस लेंस जो है ना बच्चों दो प्रकार के होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला लेंस जो है मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस देखो कैसे बनाया गया, आपने क्या किया एक बहुत बड़ा सा गोला ले लिया, ऐसा बड़ा सा गोला। ठीक है, ये स्फेरिकल कांच का गोला था, इसके अंदर पूरा कांच भरा हुआ था। ठीक है, फिर आपने क्या किया इसी प्रकार से एक और जो कांच का गोला है वो ऐसा, ये जो दोनों आपके ग्लास के जो स्फीयर्स थे ये क्या है, ग्लास स्फीयर्स। आपने ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ इतने से स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखा। ये आपका जो है बच्चों स्फेरिकल लेंस रहा यहाँ पर, ये स्फेरिकल लेंस। तो अगर आप चाहें तो यहाँ बहुत ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपने देखा कि सर ये जो स्फीयर आपने बनाया उसका कोई एक सेंटर होगा, ये जो स्फीयर इधर बनाया इसका कुछ सेंटर होगा। ठीक है, तो जो स्फीयर के सेंटर हैं थोड़ी देर बाद आप पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम, ये वही है गाइस। ठीक है, तो आप जैसे ही इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं तो आपको ये जो लाइन मिलती है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस गाइस। ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मिरर में था वैसे ही यहां पर भी होगा बच्चों। ये जो दो सेंटर से आपके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इंडिविजुअल स्फीयर है जो आपका लेंस का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है C इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। ठीक है, अपन समझ गए यहाँ पर गाइज। इसके अलावा क्या होता है जो लेंस का मिडिल पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट को देखो, वहां पर तो पोल ऑफ मिरर था, यहां पर मिडिल जो पॉइंट होता है ये वाला, इसे बच्चों हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ओ का मतलब क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। इस तरह से गाइज अगर आप दो ऐसे स्फीयर्स के बीच में से इस पार्ट को बाहर निकाल लें तो ये आपका जो है बच्चों ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर बन के आया इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये इसका जो है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, पहले यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एंड इसके अलावा ये जो होता है आपका सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बताता हूं। कॉनकेव लेंस के बेसिक्स को बाद में समझेंगे। सबसे पहली बात, आप लोगों ने ऐसा कितने बच्चों ने सुना हुआ है, जल्दी से बताना आप लोगों ने ऐसा सुना है या नहीं सुना कि कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस होता है, कितने लोगों ने सुना हुआ है? बोलो 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 बोलो, कैसे कैसे सर दोनों सॉलिड को एक दूसरे में कैसे घुसाया? अबे इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान ले पूरा का पूरा एक स्लैब था, उस स्लैब में से एक ऐसा गोला काट लिया, एक ऐसा गोला काट लिया, ठीक है, वो पहले से अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है, निकाला ही नहीं था कभी। फिर इस वाले को काट के हटा देंगे, इस वाले को काट के हटा देंगे, इमेजिनेशन के लिए सिखाया है, ऐसे काट के घुसेंगे थोड़ी, ठीक है। आप ऐसा मान लो एक गोला है, ठीक है, एक गोला ऐसा है, एक स्लैब में से पहले ऐसे स्फेयर्स काट लिए, स्फेयर्स काटने के बाद आपको फील आ रही है कि दो चीज़ें मिला रखी है, बस ये फीलिंग के लिए ऐसे काट के घुसेते नहीं है उसके अंदर, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सुन रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है आपके कॉन्वर्जिंग लेंस होते हैं, ठीक है। आज इसका प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं कि ये सर कॉन्वर्जिंग लेंस किस प्रकार से हुए। तो ध्यान से देखो आपने क्या किया है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, आपने पहले ये लेंस इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस को बनाया है, यहाँ पर ये आपने कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे ड्रॉ किया। अब आपने क्या किया सर, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका गाइस ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा। आपने बोला कि सर फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट से कहीं यहाँ पे था, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर बोला कि लाइट रे को ऐसे फेंकते हैं, यहाँ पर लाइट रे को ऐसे फेंकते हैं, ये जो आपने लेंस लिया है ये ग्लास का बना हुआ है, तो ये जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास है। बच्चों मुझे बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं कि सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1। मुझे बताओ लाइट किधर जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है इसके साथ क्या होता है, ये नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। तो सर कैसे करें, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। बच्चों नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से सबसे पहले इस चीज़ को मिला देते हैं। तो कभी भी किसी चीज़ का नॉर्मल ड्रॉ करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप उसे कनेक्ट कर दीजिए। तो आपने बोला कि सर देखो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब ये लाइट रे देखो जाना कैसे चाहती थी, ये लाइट रे ऐसे सीधा सीधा जाना चाहती थी, पर क्या ये सीधा जा पाएगी क्या? आप बोलोगे जा ही नहीं सकती सर सीधा, ये सीधा जा ही नहीं सकती। आपने बोला कि सर एक डेंसर मीडियम में लाइट रे जा रही है तो ये धीरे से नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी। कैसे हो जाएगी ये देखना गाइस, ये ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर आ गई है, नॉर्मल की तरफ नीचे बैंड कर गई। अब आपने बोला जैसे ये सेकंड सरफेस पे गिरेगी, सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर? आपने बोला देखो सर बहुत सिंपल सी बात है, सेकंड सरफेस जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, देखो ना पिक्चर में ये जो सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। तो आपने बोला अच्छा ऐसा है क्या सर। अब आपने इस पॉइंट से जहां ये टकरा रही है इसको ज्वाइन किया, यहां पर ध्यान से देखना, ये ज्वाइन कर दिया आपने इसे। आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि सर ये सेकंड सरफेस से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया यहां पे, ये ऐसा। अब मुझे बताओ ये लाइट रे कहां से कहां जा रही है, और यार मैंने गलत जगह ज्वाइन कर दिया क्या, सॉरी गाइस ठीक कर देते हैं, गलत जगह ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। देखना ध्यान से देखना, यहां ज्वाइन करना था, यहां ज्वाइन करना था इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपका ये ज्वाइन कर दिया आप, ठीक है, ये आपने इस पॉइंट पे ये ज्वाइन कर दिया। आपने जैसे ही ज्वाइन किया यहां पर आपको क्या दिखाई दिया कि सर ये जो लाइट रे है अब कहां से कहां जा रही है, ये लाइट रे आपकी जो है डेंसर ग्लास के अंदर से बाहर निकल रही है और एयर में जा रही है। ग्लास से एयर जाने में मुझे बताओ बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे होगा? कैसे बैंडिंग करूं बताओ यार, स्पेक्टेकल्स में ऐसी स्ट्रक्चर नहीं दिखती। पता चलेगा आपको क्यों नहीं दिखती, धीरे धीरे पहले बेसिक्स पढ़ो फिर आपको पता चलेगा। किधर मोड़ू इसे, ये जो पॉइंट है इसे टुवर्ड्स द नॉर्मल मोड़ू या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बताओ यार। वेरी गुड वेरी गुड, सर आप बोल रहे हो सर ग्लास के अंदर से एयर में जा रही है तो अवे मोड़ दो, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है जो यहाँ पर थी इसे अवे मोड़ दोगे तो ये ऐसे जाना चाहती थी, ये अवे मोड़ दोगे तो ये ऐसे हो जाएगी। दिखा क्या आपको, दिखा क्या आपको? तो ये जो ग्रीन वाली लाइट रे थी ये ऐसे गई, ये पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई, ये ऐसे चली गई। आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहले एक बार कन्वर्ज हुई फिर दोबारा कन्वर्ज हो गई, तो ये लाइट रे ऐसे पास हो गई। आपने सिमिलरली एक और लाइट रे को यहां पर फेंका ऐसा, ये लाइट रे जैसे अंदर की तरफ यहां पर एंटर करेगी। आप क्या बोलोगे, पहले सरफेस पे कैसा, सेम लॉजिक आप लगाओ, सेम लॉजिक को आप यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करो। बड़े ध्यान से देखना, बड़े तसल्ली से देखना, सेम लॉजिक को आप यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। आपने क्या बोला कि सर देखिए आपने इसको ज्वाइन करना है यहां से, ये ज्वाइन किया आपने। दिस लाइट रे वॉन्ट टू गो लाइक दिस, बट नॉर्मल की वजह से यहाँ पर इसके रिफ्रैक्शन की होने की वजह से ये अंदर की तरफ बैंड हो गई, ऐसे देखा अंदर सेंटर की तरफ मूव हो गई। देन आपने यहाँ पर इसे ज्वाइन किया, आपने बोला सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करके दिखाया जाए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने ज्वाइन किया। अब क्या होगा, ये आपने बोला कि ये नॉर्मल है सर, इट विल अगेन बैंड कैसा डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ऐसा जाना चाहती थी पर ऐसा नहीं जाएगी, ये ऐसे ऊपर की तरफ बैंड हो जाएगी, तो ये मिल गई। यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि सर पहले ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो दोनों तरफ से जो है जो लाइट रे नीचे जा रही थी ये ऊपर की तरफ आई, जो ऊपर जा रही थी ये नीचे की तरफ आई। तो आपने क्या देखा, सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन लगा के आपने देखा कि लाइट रे इज बैंडिंग टुवर्ड्स दी सेंटर, सेंटर की तरफ बैंड हो रही है। अगर कोई भी लाइट रे ऐसे सेंटर की तरफ बैंड हो तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर लाइट रेज आर कन्वर्जिंग। बहुत सिंपल लॉजिक से आपने बता दिया लाइट रेज आर कन्वर्जिंग। अच्छा एक चीज बताओ, इस चीज को सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। सो कैन कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस? क्या कॉन्वेक्स लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर सकता है क्या? यस और नो, यस और नो आंसर दो यार इसका, बताओ यार क्या कॉन्वेक्स लेंस ऐसे वर्क कर सकता है क्या? क्या कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह वर्क कर सकता है क्या? यस कह रहा है फोटोग्राफी वाला बच्चा, एक बच्चा कह रहा है अंशु नो, दीपू कह रहा है यस, शुभम कह रहा है यस, विद्या कह रही है यस। अब बताओ कैसे, कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है? ठीक है, देखो जितने भी बच्चे नो कह रहे हैं, नो वाले बच्चों को तो पहले मैं बताता हूं कि यार इसका आंसर है यस। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि कब ये डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा? सोच समझ के बताओ, कुछ ऐसा अद्भुत कार्य किया जाए कि लाइट रे बाहर की तरफ मुड़ जाए, क्या करूं सोचो, क्या करूं सोचो। नहीं, वाटर के अंदर नहीं बनता, गलत है, वाटर के अंदर नहीं बनता, गलत है, इसका आंसर वाटर नहीं है। पहली बात तो वाटर इज नॉट द आंसर। सर कैन यू टेल हाउ यू फॉर्म्ड द नॉर्मल? ठीक है, अरे भाई ये ऐसी गलती मत करो, ठीक है, ये बहुत खतरनाक डाउट इस बच्चे ने पूछा कि नॉर्मल कैसे बनाया। बेटा सर्कल के अंदर जो है आप जब रेडियस बनाते हो तो रेडियस इज इक्वल्स टू नॉर्मल है ना, और ये आपकी टेंजेंट होती है। प्लीज गाइज ऐसी गलतियां ना करें, ये मैथमेटिक्स की बेसिक सी चीजें हैं। तो ये जो है सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन रेडियस होती है, रेडियस जो है आपकी नॉर्मल होती है। तो यही किया है मैंने, सेंटर से ज्वाइन किया है, ये सेंटर से जिस भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे वो आपका नॉर्मल होता है। क्लियर है ना, क्लियर है ना? नहीं, वाटर में नहीं होता है। ठीक है, बोलो यार सर फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो तो ठीक है, इस सब चीज़ों को छोड़ो, पहले जो है आप ये तो बताओ जो चीज़ मैं पूछ रहा हूं कि ये किस प्रकार से डाइवर्जिंग लेंस बन सकता है? बोलो। क्रिस्टल टू ग्लास, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। आप इस तरह से सोचे कि सर आपको क्या करना है, इस लाइट रे को दूर मोड़ना है, तो आपको बाहर का मीडियम डेंसर रखना पड़ेगा। वेरी इजी थिंग, ठीक है। तो भाई इसका आंसर है कैन कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस? यस। कब सर, कब ऐसा हो सकता है? व्हेन आउटसाइड मीडियम इज डेंसर देन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी मटेरियल ऑफ लेंस। ठीक है, इसका आंसर है दैट व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन मटेरियल ऑफ लेंस, मटेरियल ऑफ लेंस। देखो कैसे हो सकता है ऐसा, जैसे कैसे हो सकता है समझने की कोशिश करो। जैसे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि पानी के अंदर एक बबल बन गया, पानी के अंदर बबल बन गया, बबल कैसा दिखाई देता है? बबल आपको ऐसा दिखाई देता है, ये बबल है। पानी के अंदर एक बबल बन गया, एयर बबल, बाहर क्या है बच्चों? वॉटर है, ठीक है, और ये क्या है? एयर है। अब मुझे बताओ ये जो बबल है ये किसकी तरह बिहेव करना चाहिए? यार है तो कॉन्वेक्स जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा 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 ऐसा, बट जो लाइट रे यहाँ से यहाँ जाएंगी ये डाइवर्ज होने लग जाएंगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। या फिर जैसे आपने बोला कि ये ग्लास की स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास की स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के अंदर जो है बीच में आपने बोला कि सर इस प्रकार से हवा भरी हुई है, हवा, ये हवा भरी हुई, ये एयर है ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये एयर भरी हुई है ग्लास स्लैब के अंदर तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 1। सर एक बात और बताओ, आपने ये कैसे बोल दिया व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन मटीरियल फ्लक्स, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा ना, अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा तो आपका डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में क्या होता है, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हो जाता है ये बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल स्टेप्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। कॉन्केव लेंस की बात करने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल बातें बता देता हूँ बच्चों। हम क्या करते हैं ना, बार बार कॉन्वेक्स लेंस ऐसा नहीं बनाते हैं, हम क्या करते हैं, देखो कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे दिखाएंगे जनरली, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, कॉन्वेक्स लेंस को आपको ऐसे दिखा देंगे, ऐसे हम बार बार डायग्राम बनाएंगे ना तो ऐसे दिखा देंगे, ये ऐसा, ठीक है, इसको देख के आपको क्या समझ जाना है कि सर ने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, ठीक है, बार बार वो नहीं बनाएंगे। और दूसरा, कॉन्वेक्स लेंस को आप इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हैं कि सर देखो ये जो है कॉन्वेक्स लेंस के टुकड़े करे अपन ने यहाँ पे, ये कॉन्वेक्स लेंस के 3 टुकड़े कर दिए, क्या दिखाई दे रहा है ये बड़े ध्यान से देख के बताओ, आपको ऐसे दिख रहा होगा कि यार देखो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है आपके ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, और ये क्या है बीच वाली, ये आपकी एक तरह से रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह एक्ट करती है, ठीक है, तो ऊपर और नीचे दो है, ट्रायंगुलर प्रिज्म का अपन ने इस्तेमाल किया है एंड बीच में जो है आपने एक रेक्टेंगुलर स्लैब लगा दी है। थोड़ा सा ऐसा इमेजिनेशन भी आप लेके आ सकते हैं अगर आप लेंस को पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, धीरे धीरे और भी चीज़ें अपन समझते चलेंगे। एक बच्चे ने बोला कि सर हम चश्मे के अंदर जब देखते हैं स्पेक्टेकल्स में तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता है, ठीक है, हमें इतना मोटा दिखाई नहीं देता है। द रीज़न इज़ आप जो लेंस यूज़ करते हैं चश्मे के अंदर वो थिन लेंसेज होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो आप लेंस को यूज़ करते हैं, वी यूज़ थिन लेंस इन स्पेक्टेकल्स, ठीक है, वो थिन लेंस अपन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इतने पतले होते हैं गाइस, देखिए ध्यान से, ये ऐसा, ये ऐसा, तो आपको जो है इसकी मोटाई का अंदाज़ा चलता ही नहीं है। बट आपने देखा होगा कि कोई बच्चा ऐसा ज़रूर देखा होगा, आपने आपकी क्लास में देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, वो बोलता होगा कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा पावर का नंबर है, बहुत ज़्यादा बड़ा पावर का मेरा नंबर लगा हुआ है, और आपने देखा होगा उसके चश्मे मोटे मोटे, किसने देखा है, किसने देखा है, बताओ यार, बताओ यार किसने देखा है ऐसा कि सर एक बच्चा है जो बोल रहा था कि उसे बहुत कम दिखाई देता है, उसको जो है ये विजन का प्रॉब्लम है और उसने मोटे मोटे चश्मे पहन रखे थे, मतलब सर मोटा था, ग्लास मोटा था, देखा होगा आपने, ठीक है। सर क्या हो गया, आई एम लेट, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, जो पढ़ा रहे हैं वहां से पढ़ ले बेटा, ठीक है, मैंने देखा है, माई फ्रेंड, ठीक है, आपके हैं, मैंने देखा है, मेरे थोड़ी मोटे हैं, मेरे तो कॉनकेव लेंस है भाई, ठीक है, बिना जाने ही बोल देते हो तुम्हें, मेरे नहीं है, 2 किलो का चश्मा इतना भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जहाँ पर आइज ज़्यादा वीक होती है वहाँ पर चश्मे मोटे मोटे होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। बट मैं आपको नॉर्मल लाइफ की बात बता रहा हूँ, जनरली आपको ऐसा दिखेगा कि यार आपका चश्मा तो बहुत मोटा है ही नहीं, 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है, 80 to 90% उनके जो है बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है, नॉर्मल नंबर होते हैं, जैसे मेरा जो नंबर है -1.5 -0.5, ठीक है। सर नंबर माइनस में क्यों बोला, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, 2-4 लेक्चर्स रुक जाओ, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि सर -1.5 -0.5 कम नंबर है, इसकी वजह से मोटे मोटे नहीं है, बट आपने बोला होगा कि यार मेरे तो, किसी ने किसी से तो सुना होगा कि मेरे तो 8 नंबर का लगा हुआ है, मेरा -6 है, मेरा -5 है, फिर उसके मोटे मोटे ग्लास देखे होंगे, ठीक है। रीज़न, उनकी आइज़ थोड़ी ज़्यादा वीक है इसलिए उनके लेंसेज जो हैं थोड़े मोटे दिख रहे हैं। आगे धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। तो आपने बोला वी यूज़ थिन लेंसेज इन स्पेक्टेकल्स, दैट इज़ द रीज़न। हम यहाँ पर जब आपको कैलकुलेशंस करना सिखाएंगे सारी की सारी, हम आपको लेंस फॉर्मूला सिखाएंगे, हम आपको अभी रे डायग्राम बनाना सिखाएंगे, हम सारी की सारी चीज़ें थिन लेंसेज लेके इस्तेमाल कर रहे होंगे और इसी से सारी चीजों का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब चलिए अपन थोड़ा सा और जो है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में समझ लेते हैं। टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। पहला, ठीक है, इनको तीन कैटेगरी में हम बांटते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। हाँ, डायोप्टर वगैरह सारी चीजें आपके सामने आएंगी। सबसे पहला होता है बेटा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, बेटा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ध्यान से देखना। एक साइड आपका कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, एक साइड आपका प्लेन स्ट्रक्चर है। ये है प्लानो कॉन्वेक्स। क्या है बच्चों, ये प्लानो कॉन्वेक्स। ठीक है, एक क्या होता है बच्चों आपका डबल कॉन्वेक्स। आप जो है जनरली यही चीज पढ़ रहे होते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, या फिर बाय कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों बाय कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखाई देता है, ये आपकी एक साइड, ये आपकी दूसरी साइड, ये आपका बाय कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। एक और इसके अंदर वैरायटी होती है, इसको कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया नाम दिया है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कैसे दिखाई देता है। आपने बोला कि सर एक साइड तो आपकी ये हो गई, दूसरी साइड भी इसी प्रकार से बन जाती है, चंदा मामा की तरह कुछ दिखाई देता है। तो आपने बोला कि सर ये क्या है, प्लानो कॉन्वेक्स। व्हाई, बिकॉज एक सरफेस यहां पर प्लेन है, ठीक है, और यहां पर एक सरफेस जो अंदर की तरफ जा रही है, दिस सरफेस इज नोन एज कॉनकेव सरफेस। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें आपको लिटरेचर में डिफाइन करी जाती हैं, बट आपको कोई भी टेंशन अभी नहीं लेनी है। अभी आप सिंपल सी जो चीजें हैं, स्टार्ट किया है चैप्टर, बिल्कुल बेसिक चीजों को जो है अपने दिमाग में फिक्स करके चलें। डबल कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, पहली चीज जो है, वीडियो को लाइक जरूर करो, वीडियो को शेयर जरूर करो। बार बार बताना पड़ता है भाई, ठीक है, लाइक करो, जिससे कि जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो की रीच पहुंचती है फर्दर लेटर। ठीक है, सो लाइक एंड शेयर बिटवीन योर फ्रेंड्स ऑफ क्लास 9th and 10th। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, कॉनकेव लेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस तुम्हें समझाया, अब स्टेप बाय स्टेप कॉनकेव की बात करेंगे। देखो यहां पर क्या किया था हमने, कॉनकेव लेंस को समझेंगे अब। ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्या कहते हैं, जनरली कन्वर्जिंग। जरा कॉनकेव की बात करते हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा सर कॉनकेव लेंस को जनरली जो लोग हैं वो डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, ध्यान से देखिए। आपका जो कॉनकेव लेंस होता है गाइस, वो इस प्रकार से होता है। देखो ये एक गोला, ठीक है भाई, ये दूसरा गोला। अब हम क्या करते हैं, अब कोई बच्चा बोलेगा दोनों गोले को जोड़ा कैसे, दोनों गोले को ऐसे जोड़ा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए दो स्फीयर्स एंड बीच में ये जो सरफेस है, ये इस तरह से जो है फील्ड है, पूरी ग्लास की सरफेस फील्ड है। तो आप क्या बोलते हैं कि सर देखिए, ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये मिलके आपका जो है कॉनकेव लेंस बना। ठीक है गाइस, अब आपने बोला सर इसका सेंटर जो है ये सी, इसका सेंटर जो है यहां पर ये सी। आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गाइस, व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर अगेन गेटिंग यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों जो आपका ये सेंटर पॉइंट होता है, ये क्या कहलाया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। अब हम क्या कर रहे हैं, ये इस ग्रीन वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारी की सारी चीजें रब कर दे रहे हैं। जैसे यहां पर सिखाया था वही सेम कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ग्लास स्फीयर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, सारी की सारी बातें बच्चों आपके लिए बिल्कुल सेम है यहां पर। ठीक है, तो आपका जो लेंस बना अंदर वाला, वो इस प्रकार से है, ऐसा समझ रहे हो। ये आपका जो है क्या है, ये आपका सेकेंड सरफेस है, ये बच्चों आपका फर्स्ट सरफेस है जहां पर अभी रिफ्रैक्शन होने वाला है। ठीक है गाइज, ये आपका सी क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का शॉर्टकट, शॉर्ट नेम लिखेंगे बार बार, दैट इज नोन एज सीओसी। ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर। धीरे धीरे सारी की सारी बातें अपन समझते जाएंगे, इंटरेस्टिंग चीजें बहुत सारी मिलेगी कि कैसे ग्लास स्लैब को भी यहां रिलेट कर सकते हैं, धीरे धीरे देखना। अब हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस के अंदर कुछ चीजें स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस कैसे हुआ। देखो ध्यान से, आपने ये सरफेस लिया ऐसा, ये रहा, आपने प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब आपने बोला कि सर देखो ये लाइट रे इस तरह से आके गिर रही थी, अब हम प्रूव करेंगे कि ये डाइवर्जिंग लेंस क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। ठीक है, आपने बोला सर ये जो फर्स्ट सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, इधर है, यहां से इसे ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। अब मुझे खुद बताओ, तुम लोग खुद बताओ, सोच समझ के बताना एंड आंसर करने की कोशिश करना। लाइट रे के साथ क्या होगा, लाइट रे विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगा, ये भैया ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से 3/2, म्यू इज इक्वल्स टू 3/2। यहां लाइट के साथ क्या होगा, बैंड टुवर्ड्स या बैंड अवे। हाँ, क्लैश ऑफ क्लाइंस नहीं खेल रहे भाई। सर आई एम जेईई एस्पिरेंट इन 10th, सो कैन आई स्किप एनटीएससी बिकॉज आई हेट बायो एंड सोशल साइंस बिकॉज दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। नहीं बेटा, करनी चाहिए, बायो और एसएसटी पढ़नी चाहिए, एनटीएससी लाइफ में एक ही बार मौका मिलता है, करना चाहिए यार गाइस। ठीक है, मेरा तो यही मानना है। अब यहां पर लाइट जो है बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। क्यों ऐसे क्यों गई सर, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जा रही है गाइस। ठीक है, सिमिलरली जो लाइट रे यहां आके गिर रही है इसके साथ क्या होगा, आप बोलेंगे सर यहां भी सेम कार्य करिए। ये आपने नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ, नॉर्मल रिएक्शन क्या कह रहा हूं, नॉर्मल आपने ड्रॉ करी यहां पर। अब ये लाइट रे चाहती तो ऐसे जाना थी, बट डेंसर मीडियम के कारण ये ऐसे मुड़ जाएगी। ये यहाँ टकराई, ये यहाँ टकराई, ऐसे लाइट रे यहाँ टकरा गई। अब आपने क्या बोला, सर सेकंड सरफेस पे गिर गई है लाइट रे, सेकंड सरफेस पे इन्हें ज्वाइन कीजिए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, इससे ज्वाइन किया, यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर ज्वाइन किया। अब मुझे खुद सोच समझ के बताओ, इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे। ठीक है, अब ये डेंसर से रेरर में जा रही है, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे कैसे बैंडिंग होगी देखना गाइस, ये चाहती तो थी ऐसे जाना बट ये इस प्रकार से चली जाएगी, ये चाहती तो थी ऐसे जाना बट ये लाइट रे इस प्रकार से चली जाएगी। ठीक है, बाहर की तरफ और बैंड हो जाएगी। आपने क्या किया, इसे पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो ये यहाँ आके मिला, इसे भी पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, ठीक है, तो यहां आके मिला। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो लाइट रे बाहर की तरफ जा रही है ना, ये रही लाइट रे। इन लाइट रेज को जो है ब्लू कलर से दिखाया जाए, ये आपकी फाइनल लाइट रेज है, ऐसे जा रही है। ये फाइनल लाइट रेज आपकी बाहर की तरफ ऐसे जा रही है, ये फाइनल लाइट रे आपकी बाहर की तरफ ऐसे जा रही है। क्या ये कभी आगे मिल सकती है क्या, नहीं, ये कभी भी नहीं मिलेंगी आगे की तरफ बिकॉज दे आर गोइंग फार्दर अवे। तो आप क्या करते हो, इन्हें पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हो ऐसे, और आपको पता चलता है कि ये यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है। इन्हें भी पीछे के डायरेक्शन में आप एक्सटेंड करते हो तो आपको पता चलता है ये यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है। तो ये आपकी लाइट रे यहाँ से अपीयर होती है आते हुए। आपने बोला कि सर देखिए हमें समझ में आ गया दैट लाइट रेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर। यहाँ डाइवर्ज कर रही हैं, यहाँ पर लाइट रे पहले क्या कर रही थी, कन्वर्ज कर रही थी। आई होप बहुत सिंपल सी बात है। अब दोबारा से एक और सवाल, अब सोच समझ के आंसर देना, बिल्कुल लड्डू सवाल है। कैन कॉन्केव लेंस बिहेव एज कॉन्वर्जिंग, क्या ये कभी कन्वर्जिंग बन सकता है, बोलो हाँ या ना, और कैसे बन सकता है। ठीक है, अब तुम समझदार हो चुके हो बिल्कुल अच्छे से, वेरी गुड। इट विल मीट वर्चुअली, हाँ एनएलएम का भूत नहीं उतरा, आज सुबह एनएलएम पढ़ा रहा था ना मैं। भाई जितने भी बच्चे हैं नो आंसर दे रहे हैं, इन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है ना, लेट ज्वाइन किया है ना। अरे यार तुम लेट क्यों ज्वाइन करते हो क्लास को, जब यहां का आंसर यस है ये वाली स्लाइड का, तुमने ये स्लाइड पढ़ी नहीं होगी। फिर कैन कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज डाइवर्जिंग, यस, तो कॉन्केव भी आपका कन्वर्जिंग बन सकता है गाइस। ठीक है, आपका कॉन्केव जो लेंस है ये भी कॉन्वर्जिंग बन सकता है, यस। कैसे बन सकता है सर, ये जो लेंस है इसका मीडियम अगर रेयरर कर दें, ठीक है, इफ मीडियम इनसाइड लेंस, इनसाइड लेंस अगर ये रेयरर हो जाए, इज रेयरर देन सराउंडिंग, तो काम उल्टे हो जाएंगे यार, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अगर जस्ट इमेजिन करो रेयरर होता तो क्या होता, ये लाइट रे ऐसे ऊपर नहीं मुड़ती, नीचे मुड़ जाती, नीचे की तरफ मुड़ जाती। करके देखना, समझ में आएगा आपको। फिर ये रेरर में डेंसर में जाता, रेरर से डेंसर में, फिर ऊपर की जगह फिर नीचे मुड़ जाती। तो अगर आप मीडियम जो है लेंस के अंदर का वो बदल दें तो ये लेंस उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। बट जनरली हम क्या पढ़ रहे होते हैं, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग, बिकॉज हमारा मीडियम ग्लास यहाँ पर होता है। क्लियर है क्या? कॉन्केव लेंस बिहेव कन्वर्जिंग व्हेन वी पुट इन वाटर, वेरी गुड। ठीक है, तो इसने बोला कि कॉन्केव लेंस को जब पानी में डाल देंगे तो वो आपका कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। क्या ये बच्चा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, पहले ये बताओ। मुझे तो इसका स्टेटमेंट गलत लग रहा है एकदम यार। वेरी गुड, वेस्ट बंगाल एनटीएससी में इसने सवाल पूछा गया था। ठीक है यार गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करो यार। तुम लोग लाइक जो है कंजूसी से करते हो, जितने बच्चे देखते हो उतने बच्चे लाइक नहीं करते। लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे की सारी चीज़ें करें। ठीक है, इस बच्चे ने जो स्टेटमेंट बोला है वो गलत स्टेटमेंट बोला है। क्यों? क्योंकि बेटा जो मैंने लाइन लिखी उसे ध्यान से पढ़ो। मैंने क्या लिखा, मीडियम इनसाइड लेंस इज रेयर देन सराउंडिंग। ठीक है, तो बेटा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ध्यान से देखो, आपका वाटर का लेंस है, वाटर का लेंस है और उसे ग्लास में डाल दिया, उसे ग्लास में डाल दिया, ऐसा कुछ सोचो। ठीक है, तो ये जो लेंस है इसके अंदर क्या है बच्चों, आपका पानी से बना है लेंस, ये वाटर। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और बाहर जो मीडियम है ये ग्लास है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 3/2। आप देख रहे हो अंदर वाला मटेरियल क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। अंदर वाला मीडियम क्या हो गया, मटेरियल इनसाइड इज रेयरर, मटेरियल इनसाइड इज रेयरर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये अंदर का मटेरियल अगर रेयरर होगा तो आप जो है कह सकते हैं कि सर ये उल्टा बिहेव करने लग जाएगा, ये कॉन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, ये कॉन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आएगी बात? कोई दिक्कत कोई समस्या, कोई दिक्कत कोई समस्या? वाटर से लेंस कैसे बनेगा? अरे स्ट्रक्चर है, लेंस तो एक स्ट्रक्चर है ना भाई, लेंस तो एक स्ट्रक्चर है भाई, एक स्ट्रक्चर है। वाटर से भी बन सकता है, एयर से भी बन सकता है, किसी भी चीज से जो है लेंस बन सकता है। आप उस लेंस को होल्ड नहीं कर सकते तो क्या हुआ, इमेजिनरी लेंस तो हो ही सकते हैं ना ऐसे यार, इमेजिनरी लेंस हो सकते हैं। वाह बेटा यार, तुम तो बहुत गजब के लोग निकले। मैंने बोला वीडियो को लाइक करो तो लाइक की जगह 3 बच्चों ने डिसलाइक कर दिया और एक ने भी लाइक नहीं किया। वाह यार, ठीक है। तो यार ठीक है यार, तुम इस जो है निष्ठा और तत्परता का ये वो है रिजल्ट देते हो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड गाइस। ठीक है, अब नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, आपने यहाँ पर ये चीज़ समझी कि किस तरह से जो है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसके चेंज होने की वजह से आपका ये जो लेंस है वो किस तरह से अपने बिहेवियर को जो है चेंज कर सकता है, किस तरह से बिहेवियर को चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये चीज़ समझी थी कि किस तरह से जो है ये आपका इस तरह से वर्क कर रहा था, ये उसका रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। अब देखो कॉन्केव लेंस को हम किस तरह से ड्रॉ करके बनाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से कुछ केसेस होते हैं वो समझ लेते हैं। तो देखो जब भी आप कॉन्केव लेंस दिखाएंगे तो आप कॉन्केव लेंस को इस प्रकार से दिखाएंगे गाइस, इस प्रकार से दिखाएंगे। कॉन्केव लेंस आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा यहाँ पर ड्रॉ करना। ठीक है, एंड आप जो है जब भी आप यहाँ पर सवाल कर रहे होंगे गाइस, ध्यान रखना हम जो भी अभी चीज़ें प्रूव करेंगे वो थिन लेंस के लिए प्रूव करेंगे। थिन लेंस, थिन लेंस बोले तो ये वाला लेंस जो है गाइस थिन लेंस कहलाया जाता है। ये लेंस क्या होता है गाइस, थिन लेंस कहलाया जाता है। हम इसके अंदर जो इसकी जो है ना ये विड्थ, ये नेग्लिजिबल मान के सारी चीज़ें सॉल्व करना, सारे फॉर्मूले आपको डिराइव करना सिखाएंगे। इवन आप जो है इस लेंस को, कॉन्केव लेंस को इस तरह से मान सकते हैं कि आपका ये एक ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, देन बीच में जो है एक पैरेलल ग्लास स्लैब और आपका ये ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ये ऐसा। आप जो है इसको मान सकते हैं कि बीच में एक रेक्टेंगुलर स्लैब है और यहां पर इस तरह से प्रिज्म जैसे स्ट्रक्चर को कट कर दिया गया है, हाफ प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर रख दिया है। आप जानते हैं बच्चों प्रिज्म ऐसा दिखाया जाता है, प्रिज्म ऐसा होता है, पर आपने प्रिज्म को मान लो ऐसे कट कर दिया तो आपका ये जो है कट वाला पोर्शन ऑफ प्रिज्म हो गया है। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि आपके जो है कुछ पोर्शन ऑफ प्रिज्म यहां पर रख दिए हैं, पोर्शन ऑफ प्रिज्म। बट ये क्या है बच्चों, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। एंड ये क्या है आपका, पैरेलल ग्लास स्लैब है, पैरेलल ग्लास स्लैब। क्लियर है गाइस, ये पैरेलल ग्लास स्लैब है। कोई दिक्कत कोई दुविधा कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई दुविधा कोई टेंशन? सर अगर वाटर में लेंस डालते हैं तो फोकल लेंथ चेंज क्यों हो जाती है? गाइस अपने आप आगे पढ़ाया जाएगा आपको, आगे वाले टॉपिक पे जंप ना करें। लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको यही समझाएगा। देखो यार, एक तुम्हें सजेशन दूं लाइफ में बहुत अच्छा, जो पढ़ा रहे हैं पहले इसे समझो, ठीक है? क्योंकि देखो सारी चीजें हम अपने आप ऑर्डर वाइज स्ट्रक्चर्ड वे में डेफिनेटली आप लोग के लिए कवर करेंगे, ठीक है? चलिए सर, मेरे पिछले लेक्चर्स का बैकलॉग है, इतनी देर में पबजी खेल लूँ क्या? बिल्कुल 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 खेल ले बेटा, ठीक है? चलो, ये जो चीज़ें अपन ने यहाँ पर देखी। अब देखो टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस के बारे में समझते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस, सिंपल बात है बच्चों, आसान बात है। यहाँ पर भी हम क्या कहते हैं बच्चों, पहली चीज प्लानो कॉन्केव लेंस, ठीक है? देन इसके बाद आप सेकेंड पढ़ते हैं यहाँ पर आपका बाई कॉन्केव लेंस या फिर डबल कॉन्केव लेंस, एंड लास्ट वन इज अगेन यहां पर सेम है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस गाइस, ठीक है? तो देखना ध्यान से, प्लानो कॉन्केव लेंस तो आपके इस प्रकार के हो जाएंगे, ये रहे, धीरे धीरे आगे जाएंगे तो ये भी अपन पढ़ेंगे। डबल कॉन्केव लेंस गाइज इस प्रकार के हो जाएंगे आपके, ये डबल कॉन्केव लेंस। हम हमारे सिलेबस में ज़्यादा फोकस डबल कॉन्केव लेंस पे कर रहे होंगे। कुछ बच्चा पूछना चाह रहा है क्या? पवन बेटा तू तो स्पैम कर रहा है, कुछ सवाल तो पूछ बेटा, ठीक है? कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस कैसे हो जाएंगे? कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, ये आपके हो गए अब, ठीक है? तो ये क्या है आपका, एक साइड प्लेन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? यहां पर आप नोटिस करिए, ये साइड आपकी कॉनकेव है, ये साइड आपकी बच्चों यहां पर कॉन्वेक्स है, ठीक है? आई होप सारी चीजें, बहुत बेसिक सी जो चीजें हैं मैंने आपको यहां डिफाइन करना सिखाया था, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? तो ये बेसिक से जो आइडियाज हैं अब आप यहां पर सीख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ चीजों को और डिफाइन करने के लिए चलते हैं एंड और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज समझी होगी, ये चीज सोची होगी कि ये पढ़ रखा होगा आपने, ऑप्टिकल सेंटर का बिहेवियर क्या होता है, ठीक है? बिहेवियर ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ठीक है? ये ना बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, कभी इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सवाल बनाया गया ना तो ये बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं। देखना गाइस, ये बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे बन सकता है। देखना आप लोगों में से कितने लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है, कितने लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और कॉन्केव लेंस होते हैं। देखना ध्यान से, देखना ये जो कॉन्केव लेंस है आपका और ये जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान से देखो। आप में से कितने लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता है, जल्दी बताना यार। आप में से कितने लोगों को ये चीज पता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होती है तो वो अनडिविएटेड पास हो जाती है? कितने लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है, जल्दी से बताओ। लाइट ऐसे गई अनडिविएटेड, लाइट ऐसे गई अनडिविएटेड, इसका रीजन बता सकते हो क्या? रीजन बता सकते हो क्या? ये कितने लोगों ने पढ़ रखा है, बताइए गाइस। अबे तुम लोगों ने कहां शेयर कर दिया, ये कौन से बच्चे आ गए ये? इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है गाइस? लड्डू रीजन है, लड्डू रीजन है। अच्छा बताओ भाई, इसका क्या लॉजिक हो सकता है, क्या रीजन? सर रीजन नहीं पता, ठीक है? अब देखो, अगर आपने इससे पिछले लेक्चर्स अटेंड करे होंगे तो आपको चीजें याद आने लग जाएगी। क्या मैंने आपको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ाया था क्या? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों, ध्यान से देखना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लॉजिक्स यहां पर लग रहे होते हैं। जो मिडिल पोर्शन होता है ना, ये मिडिल पोर्शन, आपने बोला कि सर मिडिल पोर्शन को कट कर दो यहां पर, ये इतना सा मिडिल पोर्शन, ये जो इतना सा मिडिल पोर्शन है ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह एक्ट कर रहा है। ये इतना सा जो आपका मिडिल पोर्शन है ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह एक्ट कर रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, आपका ग्लास स्लैब में क्या पढ़ रखा है आपने, ठीक है? ग्लास स्लैब में देखो आपने ऐसे पढ़ रखा है, अगर कोई ग्लास स्लैब ऐसे रखी है, ध्यान से देखें, अगर कोई ग्लास स्लैब ऐसे रखी हुई है एंड अगर लाइट यहां पर ऐसे आके गिर रही है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लाइट ऐसे आके गिर रही है, लाइट के साथ क्या होगा? आप बोलोगे सर ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है, लाइट चाहती थी ऐसा जाना, बट इस सरफेस पे क्या होगा, जैसे ही लाइट इस सरफेस पे गिरेगी इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस, है ना? ये जो है नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी ऐसा। यहां पर लाइट रे गिरने के बाद क्या होगी, ये आपका सेकेंड सरफेस, यहां गिरने के बाद लाइट रे जो है इस प्रकार से निकल जाती है एंड ये पैरेलल हो जाती है पहले वाले के। ये कितने बच्चों ने मुझसे पढ़ लिया है, पैरेलल ग्लास लैब क्या आपने पढ़ लिया है क्या? जी हाँ, पैरेलल ग्लास लैब हमने आपको पढ़ा दिया है। ये क्या होता है बच्चों? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये होता है आपका थिकनेस। व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला बता सकते हो क्या? मैंने आपको 2 लेक्चर पहले ही क्लास में पढ़ाया है। व्हाट वाज द फॉर्मूला? बताइएगा इस फॉर्मूला बताइए सर। कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केवो लेंस का स्ट्रक्चर सेम है। हाँ बेटा बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है, बस आपने उसे इन्वर्ट करके रखा है। ठीक है सर, 11th 12th एनसीईआरटी क्यों पूरी पढ़ना है फॉर एनएससीजीएस 11th 12th? क्योंकि बेटा सवाल आते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ किसका फॉर्मूला आपको याद है क्या? इमर्जेंट रे, इसका फॉर्मूला क्या है? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर फॉर्मूला याद है, कुछ बच्चों को नहीं याद है। गाइस पिछले लेक्चर्स में आपको क्लास में ये फॉर्मूला हमने बता रखा है। ये फॉर्मूला इस तरह से होता है, टी टाइम्स ऑफ साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या फॉर्मूला याद है? हाँ या ना बोलो भाई, बोलो क्या फॉर्मूला तुम्हें याद है या नहीं याद है? मैंने आपको 2 लेक्चर्स पहले ही पढ़ा है। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है, वेरी गुड। कुछ बच्चों को याद है, मनोज ने भी बोला याद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, बहुत काम का फॉर्मूला है। अब समझो मेरी बात को समझो, अगर मैं बोलता हूं तुम्हें यहां पर थिन लेंस है, थिन लेंस का मतलब क्या होता है? थिन लेंस का मतलब क्या होता है? थिन लेंस का मतलब होता है कि आपकी जो ग्लास स्लैब है इसकी थिकनेस को आप कम करते जा रहे हो। टी क्या होता जा रहा है? टी वेरी स्मॉल होता जा रहा है, वेरी स्मॉल। अगर आपका टी स्मॉल होता जा रहा है तो आप क्या कहेंगे कि सर जो डी है, याद करना d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये चीज हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। तो ऐसी सिचुएशन में गाइस क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे d जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपका नेग्लिजिबल होता चला जाएगा, ये भी आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। ये रीजन होता है, ये रीजन होता है। तो असलियत तो क्या है गाइस? असलियत आपकी कुछ इस प्रकार से है। असलियत आपकी इस प्रकार से, जो लाइट रे यहां आके गिरती है ना, यहां पे ये लाइट रे यहां गिरने के बाद ऐसी होके यहां से ऐसी निकल जाती है। तो ये लाइट रे की जो है यहां पर, ये असलियत है। लाइट रे का ऐसा स्ट्रक्चर है, वो लाइट रे यहां जाएगी, ऐसे होके यहां से निकल जाएगी। बट ये चीज जो है आपको हम नहीं दिखाते हैं, नहीं समझाते हैं, बिकॉज हम क्या कह देते हैं यहां पर? थिन लेंस है। थिन लेंस होने की वजह से आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देते हैं? नेग्लिजिबल कर देते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देते हैं गाइज? आप नेग्लिजिबल कर देते हैं। अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है तो क्या होगा यहां पर? आप क्या बोलेंगे? सर इतना टेंशन ले ही मत लाइफ में, इतना टेंशन लो ही मत, आप स्ट्रेट दिखा दो। तो समझे आप कहानी? समझे क्या कहानी? समझे क्या कहानी? समझे क्या? अरे यार देखो बच्चों, मैं फिर से आपको एक सजेशन दूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि टी का मतलब क्या है। गाइज आधे अधूरे लेक्चर्स मत करो, सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि तुम क्या कंफ्यूज हो जाओगे। इस लेक्चर को पूरा अटेंड करो, ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा रखी है हमने इसी क्लास के अंदर, है ना। तो प्लीज़ गाइज, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इस ट्रैकर के अंदर सारी की सारी क्लासेस प्रॉपरली अरेंज मिल जाएंगी। ट्रैकर के अंदर सारी क्लासेस अरेंज मिल जाएगी। तो टी अगर आपका स्मॉल होता गया तो ये खेल है यहाँ पर, ये बहुत ज़बरदस्त खेल है। आपको कभी भी क्लासेस के अंदर ये बताया नहीं जाता कि ये कैसे हो गया, बट इसका रियल लॉजिक ये है कि ये जो लेंस है, हम बार बार थिन लेंस थिन लेंस थिन लेंस आप लोगों को कह रहे होते हैं। वाई? थिन लेंस का क्या बेनिफिट है? थिन लेंस का ये बेनिफिट है कि आप जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट को इग्नोर कर देते हो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को इग्नोर कर देते हो और मस्त मस्त आप क्या करते हो? स्ट्रेट लाइन बना देते हो। क्या ये लॉजिक जान के खुशी की अनुभूति हुई? कैसा लगा? एक अच्छा लॉजिक समझ में आया? कैसा लगा लॉजिक जान के? जल्दी बताओ यार। हाउ टू यूज ट्रैकर? ट्रैकर इज वेरी सिंपल टू यूज। इसे खोलो, अपने आप पता चल जाता है कि कैसे यूज करना होता है ना। समझ में आई क्या बात? सर अगर थिक लेंस हो तो फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। इसीलिए हम जब भी सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं सारे लेंसेस को थिन लेंस मान के आप अपने 10th के करिकुलम में सारे सवालों को इजीली सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आप थिक लेंस को सॉल्व ही नहीं कर रहे होते हैं यहाँ पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, वेरी गुड यार, ठीक है, वेरी गुड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि होता होगा, रट लो यार, ऐसे रटना नहीं है। सो दैट इज द लॉजिक, थिन लेंसेज के अंदर अपन लेटरल डिस्प्लेसमेंट को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो है अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये भी लोगों को नहीं पता, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ बट आईसीएसई बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है, हाउ कैन वी फाइंड फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। लेंस के जो दो फोकस हैं, एक को कहा गया फर्स्ट फोकस, दूसरे को कहा गया सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस को कैसे पता किया जाए, बोलो यार। अब यार देखो असमंजस की स्थिति है, ये एक लेंस हमारा ये है, एक लेंस हमारा ये है, दोनों लेंस के अंदर दो फोकस हैं, हमें पता है। एक फोकस जो है यहां पर है, एक फोकस हमारा यहां पर है। इस लेंस के अंदर भी गाइस इसी प्रकार से एक फोकस जो है यहां पर है, एक फोकस यहां पर है। कौन से वाले फोकस को फर्स्ट कहे, कौन से वाले को सेकंड, बताओ यार। सर कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस और कॉन्केवो लेंस का स्ट्रक्चर सेम है। यस बेटा ऋषभ, तीसरी बार बता रहा हूं तुझे, सेम है। प्लीज एक्सप्लेन अगेन वाई थिन लेंस बेनिफिट। थिन लेंस में बेनिफिट कुछ नहीं है, थिन लेंस के अंदर जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हमने जीरो कर दिया है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वो आपको समझाया था सिमरन, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कौन से वाले के अंदर आप फर्स्ट फोकस कहेंगे, किसको सेकेंड फोकस कहेंगे, कैसे किया जाए सर, कैसे किया जाए। ठीक है, जिधर रेस मीट होता है वो फोकस है फन्ना, ना 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 ना, ऐसा नहीं कहा जाता है। जिधर रेस मीट होता है उसे F1 नहीं कहते हैं गाइस। अब ये गड़बड़ हो जाती है यार आप बच्चों की। जिधर रेस मीट होता है उसे F2 कहते हैं। जहां से लाइट रे टकराने के बाद पैरेलल हो जाए वो F1। सुनना मेरी बात को, मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, बट बहुत सिंपल सी चीज है, लाइट रे जिस फोकस से आए और आके टकराने के बाद पैरेलल हो जाए वो फर्स्ट फोकस। ठीक है, तो देखो यहां क्या होता है, यहां क्या होता है, आपने बोला लाइट को ऐसे फेंको, लाइट को ऐसे फेंको, लाइट को ऐसे फेंको, लाइट को ऐसे फेंको, ये सारी लाइट रे यहां पर इसके टकराने के बाद क्या होती है, ध्यान से देखना, ये सारी की सारी पैरेलल हो जाती है ऐसे, भाई कन्वर्ज होंगी ना, ऐसे बाहर जा रही है ना, अंदर की तरफ मोड़ दो, ये कन्वर्ज हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो गाइज आपका ये F1 कहलाया जाता है। यहां क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, जो लाइट रे इस प्रकार से आ रही होंगी, देखना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, लाइट रे इस तरह से आ रही है, यहां पर लाइट रे इस तरह से आ रही है, ये यहां टकराने के बाद ऐसे पैरेलल हो जाती है, ये ऐसे पैरेलल हो जाती है, ये ऐसे पैरेलल हो जाती है, ये ऐसे पैरेलल हो जाती है। तो गाइज ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद लेंस की हो गई, ये जाना चाह रही थी F1 पे, तो ये वाला F1। प्लीज गाइज ये पहली चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसे याद कर लो, ठीक है। और इसके बाद डेफिनेशन में क्या लिख लो यहां पर, दैट लाइट रेज कमिंग फ्रॉम F1 will become parallel to principal axis. Parallel to principal axis. Principal axis के parallel हो जाती है after refraction. Refraction के बाद parallel हो जाती है in convex lens. Very important guys, याद कर लीजिए। Second इसके अंदर क्या हो रहा है, यहां पर बेटा जो लाइट रे F1 की तरफ जाना चाह रही थी, F1 से नहीं आ रही थी, ये लाइट रेस F1 की तरफ जाना चाह रही थी, इसे इन्होंने डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, तो कॉन्केव के लिए लिख लिए लाइट रेस गोइंग टुवर्ड्स F1 विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। काम की चीजें बच्चों, बहुत ध्यान से लिख लीजिए, विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्रैक्शन इन कॉन्वेक्स लेंस था, तो ये इन वर्ड है, यहां इन कॉन्वेक्स आ जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इन कॉन्केव लेंस, सिंपल बात है, इजी बात है, ध्यान से समझ लीजिए। दोबारा बता देता हूं, लाइट रे को टकराने के बाद पैरेलल कर देना है। जहां पर भी लाइट रे टकराने के बाद पैरेलल हो जाए तो वो फिर आप F1 बोल देंगे, ठीक है। तो यहां पर फोकल लेंथ F1 इधर, इसका F1 इधर, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, आईसीएसई बोर्ड की किताबों में दे रखा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये चीज़ समझ में आए। तो ये हमने फर्स्ट फोकस निकालना सीखा। हाउ कैन आई फाइंड दी सेकंड फोकस? बच्चों ध्यान से समझ लो, सेकंड फोकस क्या होता है। सेकंड फोकस आपका इस तरह से डिफाइंड है, ये आपका जो है कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपने बनाया यहाँ पर, ये आपका जो है कॉन्केव लेंस है। सेकेंड फोकस में आप क्या करते हैं, जहां लाइट रे टकराने के बाद, ध्यान से देखना, ये लाइट रे आपने एक बनाई, ये लाइट रे आपने एक बनाई, ये आपने लाइट रे सेकंड बनाई, ये लाइट रे आपने यहाँ पर और बनाई, ये सारी की सारी लाइट रे यहाँ गिरने के बाद ऐसे किसी पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाती है, किसी पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, किसी पॉइंट पे आपका कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाया गया, ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ट हो रही है ये F2 कहलाया गया, ठीक है। यहां पर भी लाइट रे आपने पैरेलली यहां पर फेंकी, एक लाइट रे ये रही, एक लाइट रे ये रही, एक लाइट रे आपकी ये रही, दूसरी लाइट रे ये रही। अब ये सारी की सारी क्या होती है गाइस, ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, ये जो है लाइट रे ऐसे, ये जो लाइट रे है ये ऐसे, तो ये चारों तरफ ऐसे डाइवर्ज हो जा रही है। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपने भेजी थी एंड टकराने के बाद डाइवर्ज हो गई, तो ये पॉइंट आपका F2 कहलाया जाता है, यहाँ पर ये पॉइंट F2 कहलाया जाता है। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी बेटा हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका है, मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो चुका है। ट्रैकर को खोलो, कुछ बच्चे बोलते हैं ट्रैकर को कैसे यूज करना है, खोलते ही अपने आप यूसेज समझ में आ जाता है, एक बार ट्राई करके देखो। क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड यार, ठीक है। पहले वाला लेंस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, ठीक है यार। अगर तू ऐसी चीज पूछेगा तो मैं कैसे हेल्प करूंगा यार। आज का लेक्चर तो पूरा देखना है ना यार, आज का लेक्चर भी आधा देखेंगे तो कैसे चलेगा रे बच्चों, ठीक है। आज का एक लेक्चर तो पूरा देखें, ऐसा ना करें गाइस, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, ये वाला लेंस क्या कहलाया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आज ही बताए हैं हम, ठीक है। ये क्या कहलाया जाता है बच्चों, कॉनकेव लेंस, आज ही बताए हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट? हाउ साइज ऑफ अपर्चर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब ये देखो भाई, ये तो पढ़ाया ही नहीं। आयुष अभी क्वेश्चन इनवैलिड है आपका, आगे जाके अपने आप समझ में आएगा। और बोलो, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आयुष ऐसी चीज मत पूछो जो नहीं पढ़ाई है, दूसरे बच्चों को कंफ्यूज करती है ये, ठीक है। अपने आप आगे जाके लेक्चर्स में इंटेंसिटी का डिस्कशन आ जाएगा, तब हम बताएंगे, ठीक है गाइज। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर दूं, जब हम ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कोई बच्चा जो है वहां पर एल फॉर लॉयन पढ़ रहा है, तो प्लीज गाइज आप ये सवाल ना पूछें। हम ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, फिर बी फॉर बॉय पढ़ाएंगे, सी फॉर कैट पढ़ाएंगे, अपने आप जब हम लॉयन पे पहुंचेंगे तो लॉयन भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बट अगर कोई बच्चा ये पढ़ते पढ़ते ये पूछता है तो वो दूसरे बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, तो प्लीज ऐसे सवाल अगर आपके मन में कभी आए तो आप ना पूछें। इससे जो है सिर्फ समय की बर्बादी होती है और कंफ्यूजन बढ़ता है। ऑर्डर वाइज चलें, ऑर्डर वाइज जो है मैं आपके सारे के सारे डाउट्स में हेल्प करूंगा। अगर जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर कौन सा लेंस कौन सा है, मैंने बिल्कुल हेल्प करी। अगर ऐसा कोई भी आपका छोटा से छोटा डाउट है मुझसे पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। सर व्हाट इज अपर्चर, देखा डाउट हो गया ना इसको, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। सर फर्स्ट वाला वंस मोर प्लीज, वेरी गुड। फर्स्ट वाला बहुत सिंपल है, लाइट रे जहां से टकरा के पैरेलल हो जाए, लाइट रे जहां से टकरा के पैरेलल हो जाए वो आपका फर्स्ट जो है फोकल लेंथ होता है। लाइट रे जो पैरेलल है, जहां टकरा के एक पॉइंट पे मीट हो जाए, ये F2 होता है। लाइट रे जो पैरेलल है टकरा के डाइवर्ज हो जाए तो ये पॉइंट F2 होता है। तो ध्यान से लिख लो, इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ टूडेज सेशन, दैट लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन from convex lens meets at F2, F2 पे आके मिलती है। Whereas light rays after refraction from concave lens appears to be coming from F2, ऐसा लगता है कि वो F2 से आ रही है। तो ये देखो, तो ऐसा लगा कि ये F2 पे मिल गई, ये ऐसा लग रहा है कि ये F2 से आ रही है, यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। तो इस तरह से आपके F1 एंड F2 बच्चों डिसाइड किए जाते हैं। कल के लेक्चर में हम सारे के सारे रे डायग्राम्स बनाना सीखेंगे, रे डायग्राम्स के रूल्स, रे डायग्राम्स मतलब वेंसडे के लेक्चर में, एंड उसके अलावा लेंस फॉर्मूला जो है आपको डिराइव करके सिखाएंगे। तो दैट्स इट गाइज, आज का सेशन जो है यहीं पर जो है हम विराम लगाएंगे, यहीं पर हम रुकेंगे। सो थैंक यू गाइज, यू गाइज आर लवली ऑडियंस। कोई और डाउट, किसी की और समस्या? सर आप समझ गए, वेरी गुड। वन का कॉन्केव ना आया, ठीक है, सही बात है। F2 याद रखना है, F1 आ जाएगा, अपने आप याद आ जाएगा। देखो F2 इज वेरी सिंपल, लाइट गई कॉन्वेक्स में, टकरा के मिल गई, लाइट गई डाइवर्ज हो गई, F2 से आ रही है। F2 को याद रखो, बचा हुआ F1। F2 का लॉजिक क्या है? टकराने के बाद जहां मिल जाए वो F2। टकराने के बाद लाइट रे स्प्रेड हो गई कॉनकेव में, आती भी कहां से दिख रही है? F2। तो F2 पे लाइट रे जो हैं मिल रही हैं रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। F1 के साथ क्या हो रहा है? F1 से लाइट रे आकर पैरेलल हो जा रही हैं टकराने के बाद। सो सिंपल लॉजिक है, F1 से टकराने के बाद पैरेलल, F2 पे टकराने के बाद कॉन्वर्ज हो जाए या डाइवर्ज होती हुई वहां से स्टार्ट हो जाए। क्लियर है? चलिए चलिए भाई, 10 मिनट बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम अप फॉर दिस सेशन। @ राहुल पंचोली आप मुझे सर्च करके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो, जिससे कि मेरे अपडेट्स आपको गाइस टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड इसके अलावा कीप यूजिंग रेफरल कोड RALIVE फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस। ऐसा करने से गाइज आपका 10% फीस जो है रिड्यूस हो जाएगा, JEE प्लेटफॉर्म, फाउंडेशन प्लेटफॉर्म, नीट प्लेटफॉर्म। इसके अलावा गाइज लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड NTSE जो हमारा चैनल है, इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर हिट कर दो, जिससे कि आपको हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। एंड इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहो एंड अपने दोस्त जो 9-10 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बीच में गाइज जरूर शेयर करना। कोई और क्वेरी आपकी? ठीक है सर, समरी दिया यार, आज के लेक्चर नहीं, वेडनेसडे के लेक्चर में करेंगे। समरी के लिए आप एक बार जो है अपने नोट्स का जो है गाइस जरूर रिवीजन करें, ठीक है। बस आज इतना ही, ठीक है ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ F1 डायग्राम फिर से एक्सप्लेन कर दो प्लीज, एक बार दोबारा देखना बेटा, ट्राई करना, अपने आप समझ में आएगा। अपनी मेहनत की कमी मत छोड़ो, दोबारा देखो उसको, दोबारा ट्राई करो, है ना। टुमारो टेक द क्विज, क्विज इज ऑन फ्राइडे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास फॉर मेंटी क्विज है, वो उन बच्चों का है जो 9th वाले क्लास के अंदर स्टडी कर रहे हैं, 9th IIT फाउंडेशन में, ठीक है। कितने चैप्टर्स रिमेनिंग है गाइस? इस ट्रैकर को फॉलो कर लो, इस ट्रैकर के अंदर आपको अपने आप पता चल जाएंगे कि क्या कितने चैप्टर्स बाकी हैं, कितने हो गए। L0 के अंदर प्लानिंग बता दी है, जो प्लान है वही प्लान के साथ हम मूव कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज इसको फॉलो करो, यहाँ पर आपको अपडेट सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेरी और कोई समस्या? ऋषभ कह रहा है सर प्लीज एंड कर दो, आप थक गए हो। बिल्कुल ऐड कर देंगे, टेंशन क्यों लेता है तू लाइफ में, ठीक है। यस सर, इसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे। ईशान पता नहीं कौन सी बात कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गाइस बाय बाय। Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get 10% discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates.